नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पंखा रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी दूंगा। यानी पंखा रिपेयरिंग में पहला पार्ट होता है लीड। सबसे पहले आपको या फिर मैकेनिक के द्वारा लीड को ही चेक किया जाता है कि सप्लाई मोटर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। लीड को इतने सारे तरीके से चेक करना बताऊँगा कि आप ज़रूर सीख जाएंगे लीड कैसे चेक होती है। आज का हमारा टॉपिक है पंखा रिपेयरिंग। पंखा रिपेयरिंग के बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिनको आप घर पर ही चेक करके आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए, लीड हो गई। किसी पंखे में फर्स्ट पार्ट लीड होता है, बटन होती है और कैपेसिटर होता है। तीन पार्टों से 50% रिपेयरिंग पंखे की आप घर पर ही कर सकते हैं। मोटर में 50% के बाद रिपेयरिंग आती है। मानते हैं कि मोटर में प्रॉब्लम होने पर आपको दिक्कत होती है, मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन 50% यानी आधी रिपेयरिंग आपकी लीड, स्विच और कंडेंसर से होती है। कंडेंसर सबसे ज़्यादा खराब होता है, स्विच भी खराब होती है, लीड खराब होती है। एक एक करके सभी का वीडियो आपको बता दूंगा कैसे चेक करना है, कैसे रिप्लेस करना है। आज मैं लीड को चेक करना बताऊँगा। लीड को तीन तरीके से चेक करना बताऊँगा, मल्टीमीटर से, सीरीज से और डायरेक्ट। मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है, देखिए मल्टीमीटर सबसे पहले सीरीज से बता। देखिए लीड में दो पॉइंट इधर बने होते हैं, दो वायर इधर निकले होते हैं। इसके एक वायर को डायरेक्ट मोटर में जोड़ा जाता है और दूसरे वायर को स्विच के पोल पॉइंट यानी जो सेंटर में एक पॉइंट होता है उस पॉइंट पर जोड़ा जाता है। जैसे ही स्विच को चालू किया जाता है यहाँ से करंट स्विच से मोटर तक पहुँच जाता है, पंखा चालू हो जाता है। यानी यहाँ से न्यूट्रल फेस यहाँ तक हमको मिल जाता है। जब कभी लीड में प्रॉब्लम आती है, पंखे में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले लीड को चेक करते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज से चेक करना बता देता हूँ। देखिए इधर से दो पॉइंट बने हुए, इधर से दो वायर निकले हुए, यानी ए इसका कंटेक्ट यहाँ पर होता है। इधर सीरीज के एक वायर को यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे वायर को यहाँ पर किसी न किसी पर टच करेंगे, बल्ब जलना चाहिए। यदि बल्ब जल रहा है तो यह पॉइंट इसका है, जिस पर इधर आप लगाए हैं उसी का इधर भी वह पॉइंट है। उसी तरह से दूसरे पर लगाने पर बल्ब जलना चाहिए। यदि मान लीजिए इस पॉइंट पर लगाए, इस पॉइंट पर बल्ब नहीं जल रहा है तो यह पॉइंट खराब माना जाएगा। इस पॉइंट पर लगाए, इस पॉइंट पर बल्ब जल रहा है तो एक पॉइंट सही माना जाएगा। इन दोनों में से इस पॉइंट पर लगाएं, यहाँ पर किसी पर बल्ब नहीं जल रहा है, या फिर इस पर लगाएं, यहाँ पर किसी पर बल्ब नहीं जल रहा है, तो फिर भी लीड खराब मानी जाती है। या भी ऐसा होता है कि इस पॉइंट पर लगाने से इधर दोनों पॉइंट पर बल्ब जल रहा है फिर भी लीड खराब मानी जाती है, यानी कहीं ना कहीं से इसके दोनों वायर शॉर्ट हो गए। इस तरह से आप सीरीज से लीड को चेक कर सकते हैं। एक बार पुनः से बता देता हूँ, सीरीज या मल्टीमीटर दोनों से सेम तरीके से लीड को चेक करना है। एक में बल्ब जलेगा और दूसरे में बीप की आवाज़ आएगी। इस तरह से देखिए, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ सीरीज का है या फिर मल्टीमीटर का वायर रखेंगे और दूसरे पॉइंट पर बारी बारी से इधर चेक करेंगे, जिस पर बल्ब जलेगा या बीप की आवाज़ आएगी वह पॉइंट उसी का है। अब यहाँ से इधर चेंज करेंगे और दूसरे पॉइंट पर बल्ब जलना चाहिए या बीप की आवाज़ आनी चाहिए, ऐसा हो रहा है तो लीड सही मानी जाती है। पंखे में दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि इस पॉइंट पर बल्ब नहीं जल रहा है, किसी एक पॉइंट पर बल्ब नहीं जल रहा है तो भी लीड खराब मानी जाती है, या दोनों पॉइंट पर बल्ब नहीं जल रहा है फिर भी लीड खराब मानी जाती है, या फिर एक पॉइंट पर टच करने पर इधर दोनों पॉइंट पर बल्ब जल रहा है, बीप की आवाज़ आ रही है, फिर भी लीड खराब मानी जाती है। सीरीज और मल्टीमीटर से आप समझ गए। अब आपको डायरेक्ट चेक करना बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे चेक किया जाता है। मान लीजिए आपको सीरीज भी बनाना नहीं आता, सीरीज भी चलाना नहीं आता, मल्टीमीटर भी नहीं है आपके पास, तो आपको इस तरह से बल्ब लेना है। देखिए इस तरह से बल्ब लेकर के बल्ब के होल्डर से इस तरह से दो पॉइंट निकले होते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको क्या करना है, इधर सीरीज का जो वो होता है, ये देखिए इसके दो पॉइंट लगे होते हैं, ये लीड के दो पॉइंट हैं, इनमें जोड़ देना है। ऐसे जोड़ करके इधर आपको बोर्ड में लगाने पर यदि बल्ब जल रहा है तो आपकी लीड सही है, यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो लीड खराब है, आपको चेंज करना पड़ेगा।